Yes, hello everyone. So we are here. I am with Deepesh sir, and हम लोग आपको बताने वाले कि भाई CMA के जो बच्चे ख्वाब देखते हैं, CMA foundation, inter, final, तीन stages से आपको गुजरना पड़ेगा. तो CMA foundation में जो पहला पहला आपका stage है, उसमें कदम कैसे रखना है. तो of course पहले तो आपको भाई आपका जो institute है ICMAI, उसके साथ आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा. आपको वहां पर अप्रूवल आ जाएगा, उसके बाद ही तो आप एग्जाम वगैरह दे पाओगे कि नहीं. तो भाई ये जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है, क्या रहेगा, कैसे रहेगा, हम आपको बहुत डिटेल में बताने वाले हैं. ना पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहेगी और हम आपको लाइव रजिस्ट्रेशन करके बताने वाले हैं. भाई हमने यहाँ पर हमारे एक प्रिय स्टूडेंट, हमारे प्रिय मित्र को बुलाया हुआ है ना, जिनका नाम है हर्ष, है ना. तो हर्ष भाई उनका रजिस्ट्रेशन करके बताएंगे. तो भाई आज देखो रजिस्ट्रेशन कर रहा है, एक दो साल बाद CMS के नाम के सामने लग जाएगा, देखना पक्का फॉर श्योर, ठीक है. लेकिन स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर प्रोसेस से. तो बेसिक थोड़ा मैं यहाँ पर बता देता हूँ, है ना. आपको स्क्रीन नहीं दिख पा रही होगी, है ना हर्ष, थोड़ा आपको एक मिनट के लिए साइड में होना पड़ेगा, है ना, एक ही मिनट, ताकि ये स्क्रीन बच्चों को दिख पाए. देखो तो हम स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से, जैसे हम पढ़ाते भी बेसिक से, है ना, ये भी एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे. गूगल तो खोल लोगे ना, है ना, गूगल लिखना, गूगल में क्लिक करना, है ना, गूगल में फिर आप लिखोगे ICMAI, इतना ही लिखना है ना, ICMAI आपको इतना ही लिखना है. अगर आपको अच्छा समझता है तो देखो यहाँ पर एडमिशन दिख रहा है, उस पर क्लिक करो. नहीं शॉर्टकट मारना है तो ICMAI पर जाओ, ठीक है. उसके बाद आप स्टूडेंट हो ऑफकोर्स, कॉमन सेंस वाली बात है ना. तो ये सब मैंने ये सब चीज़ें आप इग्नोर मारो, ये जो है ना सब फालतू की चीज़ें होती है ना. फिर आप जाओ स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट दिख रहा है ये आपको, है ना, ये ऊपर आपको मेरा हाथ जा नहीं पा रहा है, लेकिन ये मेंबर्स के बाजू में स्टूडेंट दिख रहा है. स्टूडेंट्स में जाओ आप, है ना. उसके बाद आपको एडमिशन करवाना है, वाह यार, तो एडमिशन में जाओगे, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू, है ना. देन इसमें देखो ऑनलाइन करवा रहे हो ना आप, तो ऑनलाइन में जाओगे, बताने वाली बात ही नहीं है, बट फिर भी एक बार क्या बताना जरूरी होता है. गुड, देखो आप फाउंडेशन कोर्स में जाओगे क्योंकि आपका पहला स्टेज है ना, ये भी आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो सुनो. कितना पैसा लगेगा भाई आपको, 6,000 रुपये. आप कम से कम 10वीं क्लास पास होने चाहिए, फिर आप प्रोफेशनल कोर्सेज में जा सकते हो. सो हियर यू हैव टू गो एंड यू हैव टू क्लिक ऑन अप्लाई फॉर दी फाउंडेशन कोर्स. अब इसके आगे की जो भी जिम्मेदारी है मैं हर्ष एंड दीपेश सर को सौंपता हूँ, इसके आगे पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप बता देंगे, ठीक है भाई, परफेक्ट है. तो मैं हैंड ओवर करता हूँ, यस हर्ष लीजिए. हेलो. हाँ बेटा, अपन यहाँ पे फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन अभी करने वाले हैं, तो यहाँ पे अपन डिटेल स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है. जैसे कि सर ने आपको बताया कि कौन से पोर्टल पे जाना है, उसके बाद में सबसे पहले आपका 10th पास आउट होना जरूरी है. आप 12th अपीयर हो या 12th पास आउट हो, वो इंसर्ट करना है. देखिए यहाँ पे सबसे पहले जैसे लिखा हुआ, यू हैव चेंज यूर नेम सर नेम आफ्टर पासिंग क्लास 10. क्या आपने आपका कोई भी नाम चेंज किया है क्या 10th पास आउट होने के बाद में? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पासिंग सर्टिफिकेट में नाम जब बदल के आता है तो वो करते हो, क्या आपने किया है? तो जनरली बच्चे नहीं करते हैं, तो आपको उसको नो को सिलेक्ट करना है. यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन होने जा रहा है गाइज, वो हर्ष खुद अपना रजिस्ट्रेशन अभी यहाँ पर करने वाला है. उसके साथ में सेकेंड ऑप्शन आपको दिया हुआ है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन. तो बट ऑब्वियसली क्योंकि फाउंडेशन है तो आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, तो या तो 12th पास आउट ही रहेगा. तो क्योंकि हर्ष 12th पास आउट है तो वो कौन सा सिलेक्ट करेगा, पास क्लास 12th और इक्विवेलेंट, है ना, मतलब कोई ग्रेजुएशन के साथ में या आप साइंस स्ट्रीम से हो, कोई और स्ट्रीम से हो, वो वाला. इसके साथ में आपको बताया गया है कि आपको और क्या क्या अपलोड करना है. तो देखिए लिखा हुआ है यू विल रिक्वायर टू अपलोड फॉलोइंग, जिसके अंदर में आपको पासपोर्ट फोटो, हाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सिर्फ फोटो अपलोड नहीं करना है, मार्कशीट अपलोड नहीं करनी है, सिग्नेचर अपलोड नहीं करना है, आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड नहीं करनी है. बट सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो दी गई उसकी साइज है 200KB, उसके तहत ही आपको उसको कट शॉट करके एडिट करके ही आपको अपलोड करना है. तो आ जाओ रजिस्ट्रेशन टाइप आप कौन सा करने वाले हो बेटा यहाँ पर, ठीक है ना. यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हम कौन सा करेंगे, उसका रेगुलर में हम जाने वाले हैं. देन आपका दिया हुआ है टाइप कोचिंग टाइप. अभी कोचिंग टाइप में दो दिया हुआ है, एक ओरल एक पोस्टल. पोस्टल मतलब क्या होता है, अगर आप पोस्टल सिलेक्ट करते हो तो आप जहाँ का भी जिस एरिया का आप इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करते हो वहाँ पे आपको जाके कोचिंग लेना कंपलसरी हो जाता है. वहाँ पे आपको रेगुलर अटेंडेंस देनी पड़ती है, उनसे कोचिंग लेनी पड़ती है, अदरवाइज आगे की प्रोसेस में थोड़ा डिफिकल्टी जाता है. तो जो भी बच्चे इंस्टीट्यूट की कोचिंग ना लेने के बजाय प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर ज्वाइन करते हैं, कोई क्लासेस ज्वाइन करते हैं, तो उन्होंने ओरल ये ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए. जैसे कि अभी ये हमारे साथ में पढ़ता है तो ये कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेगा, ओरल, इसने ओरल ऑप्शन सिलेक्ट किया. स्टेट, अब जिस भी स्टेट के आप हो उस स्टेट को सिलेक्ट कर लेना, है ना, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, केरला है, वेस्ट बंगाल है. अभी हम महाराष्ट्र से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो हम महाराष्ट्र सिलेक्ट करेंगे. महाराष्ट्र की बात में रीजनल चैप्टर, ठीक है. अभी रीजनल चैप्टर कौन सा आएगा बेटा तेरा, पुणे, कहाँ पर आ रहा है इधर सिलेक्ट करो एक बार. श्योर, पुणे चैप्टर आपका पिंपरी, कौन सा बोला हुआ है लेने के लिए, पिंपरी बोला या कौन सा बोला है आपको लेने के लिए चैप्टर, ठीक है ना, पिंपली चिंचवड़ अकोर्डी चैप्टर वाला, ठीक है.
क्योंकि ये उस एरिया के अंदर में वहाँ का लोकेलिटी में रहता है, रेसिडेंट है, इसलिए वहाँ का सिलेक्ट करेगा। ईमेल आईडी आपका पर्सनल ईमेल आईडी डालना है, हाँ नहीं तो हम जो ईमेल आईडी डाल रहे हैं आप वही डाल दोगे, हमको नोटिफिकेशन आएगा बेटा। तो अपना बताओ, इतना तेजस्वी बालक है, इसको खुद की मेल आईडी नहीं पता, ये मोबाइल खोल के यहाँ से टाइप करने वाला है, ठीक है। हाँ बोले तीन मेल आईडी है, बोले सर है ना, पता नहीं कौन से फीमेल को देने के लिए अलग अलग मेल आईडीज बनाई है इसने। चलो भाई सेंड ओटीपी। अब ये जो ओटीपी है ये कहाँ पर आएगा, आपके मेल पर आएगा। चलो बहुत बढ़िया, तेजस्वी बालक है, खुद ही सारा रजिस्ट्रेशन कर रहा है, हमारी भी जरूरत नहीं है इसको, वैसे इसको सिर्फ एग्जाम में हमारी जरूरत पड़ती है कि नहीं, और क्या। हाँ देखिए ऐसा वेट करना पड़ता है बेटा, हर अच्छे काम के लिए हमको थोड़ा सबर रखनी पड़ती है, सबर का फल मीठा होता है। आ गया है ओटीपी, ये देखिए ये ओटीपी इंसर्ट करते हुए कैसा लग रहा है आपको। ओटीपी है वो, रोल नंबर नहीं है कि रिजल्ट दिखेगा अभी सीधा। भाई के फीलिंग तो ऐसे है कि जैसे ये ओटीपी डालते सही सीधा रिजल्ट डिस्प्ले होगा कि सीएमए फाउंडेशन पास है ना। नहीं हम होप कर रहे हैं तो ये सीएमए फाउंडेशन तो पास हो ही जाएगा भाई ये मेरा छोटा है ना। और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन देखिए यहाँ पे सारी हो चुकी है प्रोसेस, देखिए 70% अटेंडेंस इन ओरल कोचिंग क्लासेस मैंडेटरी, हो बना हो यस प्रोसीड, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक एक करके सारे डॉक्यूमेंटेशन, उनके मार्क्स कौन से ईयर के हैं वो सब अपलोड करना पड़ेगा है ना। अब हर्ष अपना फर्स्ट नेम डाल रहा है वहाँ पर, बेटा फर्स्ट नेम मिडल नेम और लास्ट नेम में डिफरेंस समझता है ना। फर्स्ट नेम मतलब खुद का नाम, मिडल नेम मतलब अपने पापा का, बापू का, फादर का, बाबा का, डैडी का, उनका। लास्ट नेम मतलब आपका सरनेम है ना। देन ऑक्यूपेशन स्टूडेंट ही डालोगे है ना, फादर्स नेम, मदर्स नेम, माँ का नाम भी डालना है ना। नहीं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आपका, हैप्पी बर्थडे कब होता है ताकि इंस्टीट्यूट आपको केक और बुके भिजवा सके है ना। सीएमए का इंस्टीट्यूट बहुत रईस है बेटा, आप देखिए आपके है ना स्विगी जोमेटो से आपके घर पे केक आएगा, साथ में एक शानदार गुलाब का बुके। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस के अंदर में देखो, आपने शादी नहीं की है, अनमैरिड डालना है, आपकी मन ही मन किसी से शादी हुई है उसका यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, अनमैरिड। नेशनलिटी बेटा इंडियन, मर्डर कर देगा इधर, हाँ यस। रिलीजियस हिंदू, आपने कौन सा डाला हुआ है, तो वही वही डालो फिर जो डाला हुआ है। रिलीजन आपने हर जगह पे जो इंसर्ट किया वही डालना है बेटा। जेंडर अपना अपना, अरे मेल है तो मेल सेलेक्ट करो, फीमेल तो फीमेल ऐसे, ठीक है। क्योंकि ये ओपन कैटेगरी में आता है तो जनरल, जितने भी ओपन कैटेगरी वाले हैं वो जनरल सेलेक्ट करेंगे। अगर कास्ट वाले हैं, सुनना मेरी बात, अगर आप कास्ट वाले हो, अगर आपके पास में कास्ट का सर्टिफिकेट है तो ही आप यहाँ के ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो है ना। अगर आपके पास में कास्ट का सर्टिफिकेट नहीं है तो नहीं सिलेक्ट कर पाओगे, तो उस पर ध्यान देना, फिर आप ओपन में आ जाओगे, सर्टिफिकेट होना जरूरी है। आओ भाई, कोई भी फिजिकल चैलेंज है नहीं। देन एड्रेस, भाई को घर का पता फिर ढूंढना पड़ रहा है, भाई के पुणे के अंदर में चार बंगलो है तो वो देख रहा है कि मेरे को कौन से बंगलों पे सारे नोट्स मंगवाने हैं, तो भाई ने ढूंढ लिया है आखिरकार। हाँ जिस दिन रिजल्ट आएगा इसी पते पे सब लोग पहुंच जाना, एक शानदार जानदार पार्टी हमारे को हर्ष की तरफ से मिलने वाली है। चलो बढ़िया, गाइज बात ध्यान में रखना, जब आप एड्रेस इंसर्ट कर रहे हो आपको डिटेल आंसर वहाँ पे इंसर्ट करना है, सिर्फ सोसाइटी का नाम मत डालो, आपका जो भी फ्लैट नंबर है, फ्लोर नंबर जो भी मेंशन होगा वो, बिल्डिंग का जो भी होगा ABCD वो, उसके बाद में आपकी सोसाइटी का नेम, देन सारा लैंडमार्क के साथ में आपको इंसर्ट करना है। अच्छा बढ़िया, नहीं वो समझ जाता उसने। महाराष्ट्र सिटी पुणे, पीयू दबा जाए, पिन कोड कौन सा बेटा, हाँ ठीक। अब ये क्वालिफिकेशन आपको फिल्ड अप करना है, आओ बेटा क्लास
टेंथ का ईयर ऑफ पासिंग इज नॉट ओनली इम्पोर्टेंट, बाकी सब चीजें भी इम्पोर्टेंट है उसमें। हाँ तो आपके मार्कशीट पे लिखा हुआ है वो मार्क्स। स्टेट बोर्ड कौन सा था अपना बेटा, स्ट्रीम कौन सी थी, जनरल थी वो तो टेंथ वाली। ओके ओके, ट्वेल्थ कॉमर्स स्ट्रीम कौन सी है, कॉमर्स बेटा, बोर्ड कौन सा है महाराष्ट्र, क्योंकि इनका स्टेट बोर्ड है, स्टेट बोर्ड सिलेक्ट करोगे सीबीएसई होगा सीबीएसई, आईसीएसई होगा आईसीएसई। देन ईयर ऑफ पासिंग कब हुआ बेटा, बेटा अपने को परसेंटेज एकदम एक्यूरेट फिल करने है ताकि हम जब मार्कशीट उसको अटैच करें तो वो एक्सेप्ट हो जाए वहाँ पर, है ना। हाँ भाई ने एकदम एक्यूरेट 75% लेके आए हैं, है ना, पॉइंट मतलब 70.0000 इतना एक्यूरेसी हाई है, है ना 75। हाँ वही तो बोल रहे हैं एग्जैक्ट 75 है। एक्चुअली एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो सर, हाँ तो यहाँ पे हम अभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाले हैं, तो हम सबसे पहले फोटो से चालू करेंगे, अपलोड फोटोग्राफ जो कि जेपीईजी में या फिर जेपीईजी के अंदर में चाहिए, जिसका आपकी जो साइज है 200 KB इतना हो सकता है। देन यहाँ पे आपका आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर में आप आधार कार्ड पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड कर सकते हो, भाई ने अपलोड कर दिया, बट ध्यान में रहे ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे पीडीएफ फॉर्म में होने चाहिए। चलो हाँ पीडीएफ वाला, देन आपकी टेंथ की मार्कशीट, वेरी गुड, ट्वेल्थ की मार्कशीट, शाबाश। एंड द लास्ट वन जेपीजी फॉर्मेट में सिग्नेचर, देन यहां पर आपका आ जाएगा अपलोड एंड सेव। अब हो गया सारा, एप्लीकेशन नंबर सब आ गया है, नाम आ गया, डिटेल्स आ गए हैं, इसको वेरीफाई करो। करेंसी किसमें बेटा, INR इंडियन रुपीस के अंदर में। देन पेएबल मोड कौन सा, बिल डेस्क, बढ़िया। देखिए आपकी रजिस्ट्रेशन फीस 6,000 रुपीज़ है ना, ठगी से सावधान, कोई अगर आपसे ज़्यादा पैसे मांग रहा हो कि 7,000-8,000 तो कृपया उसे ना दे। चलिए पे नाउ, भाई फिर से एक बार सोच लो, क्या आपको 6,000 रुपये इंस्टीट्यूट को देने हैं, क्या आपको CMA बनना है, क्या आपको CMA करना है, बच्चे की आवाज़ आ रही है सर बातें कम, अब पेमेंट करेंगे तो चलिए पेमेंट। देखिए ICMI पैसा जाते हुए बस पिन कोड की देरी है, भाई यहाँ पे एड्रेस डालते हुए अपना पिन कोड डालते हुए ये पेमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए इनका बैंक अकाउंट से ही पेमेंट जा रहा है, पेमेंट जा चुका है, कांग्रेचुलेशन, सबका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आप CMA बन चुके हो, इसी के साथ कल आकर डिग्री लेकर घर चले जाना, ठीक है गाइस। देखिए इस तरीके से इसका सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिंट रिसीप्ट, रिसीप्ट को प्रिंट करके रखना, अगर आपके पास में प्रिंट नहीं है इसका स्क्रीनशॉट करके या इसको सेव करके, सेव सेव का ऑप्शन दिया बेटा, भगवान को मानो इसका फोटो वीटो कुछ तो ले, अरे तुम मेरे राजा सर्वर एरर, अब नहीं आएगा वो, इसका फोटो ले लो आप एक बार आपके साइड में, है ना, ताकि आपका रजिस्ट्रेशन होगा ये आपको मालूम पड़ जाए। चलिए बहुत बढ़िया, ओके डन। तो ये पूरी कंप्लीट प्रोसीजर थी कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो, हमने आपको पोर्टल से लेके वेबसाइट से लेके
किस तरीके से लॉग इन करना, किस तरीके से अपने डिटेल्स फिल्ड आउट करनी है, पेमेंट के ऑप्शन बहुत सारे थे, कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, जो आपको कन्वीनियंट ये सारी प्रोसीजर बता दिए। फॉर मोर अपडेट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए यूनिक एम्बिशियस कॉमर्स क्लासेस को। इसके ऊपर में CMA से रिलेटेड, CA रिलेटेड, CS रिलेटेड रेगुलर लेक्चर्स अपलोड होते हैं। तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूले, और हमारे हर्ष के लिए एक जोरदार लाइक तो बनता है, तो सारे लोग लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।